Today we are going to discuss the state of infrastructure in India at the time of independence. So for that, first of all, you should know the meaning of infrastructure. But generally speaking, infrastructure refers to the basic facilities. And now these days we hear a lot about health infrastructure. You must have read in the newspaper, you must have heard from other people saying that India's health infrastructure has proven to be very, very poor during COVID times, okay? And government is making efforts to improve the infrastructure. So basically, beta infrastructure kehte kisko hai? Infrastructure jo basic facilities hoti hai, jo kisi bhi country ki development ke liye foundation ka kaam karti hai, right? So basic facilities which serve as a foundation for the development and growth of the country is referred to as infrastructure. So technically हम इसको define करें तो infrastructure refers to the elements of economic change and social change. Now economic change के elements कौन से होते हैं? बेटे transportation, communication, even banking sector, power, ठीक है communication, ये सारे जो sectors हैं ये these are referred to as elements of economic change. You can't deny that जिस country में transportation या communication या banking facilities नहीं होंगी वो country develop नहीं कर सकती. So today we are able to study from home, we are able to teach from home, you are able to study from home just because of the good infrastructure. अगर हमारी country में wifi की facility नहीं होती तो आज ये classes लगाना बिल्कुल भी possible नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज भी होते हैं, डेट ऑफ सोशल चेंज भी होते हैं. सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग. Okay, all these are essential for the agriculture as well as industrial development of the country. Next, with the elements of social change, like health, that of education, housing, ये सारी facilities. अगर जैसे हमने देख ही लिया हमारी country में health facilities की कमी थी, तो जिस कारण से हम COVID से fight नहीं कर पाए, तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी सफर हुई, तो जिस कंट्री से हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई. गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एज वेल एज सोशल चेंज व्हिच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. सो व्हाट, लेट्स स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. फर्स्ट बेटे रेलवे, ऑल ऑफ अस नो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड दैट रेलवे इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1850, बट द मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स वाज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. ऐसा नहीं हुआ ये सोच रहे थे कि भाई ये बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी है, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन लाएंगे, इसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी. नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा. उनका पर्पस था कि अपने जो फिनिश्ड गुड्स थे वो कंट्री के इंटीरियर्स तक वो पहुंचाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है. दे वॉन्टेड टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया. सो बेसिकली दे डेवलप्ड रेलवे to widen their size of market. What do you mean by size of market? Anyone? In economics, what do we mean by size of market? Raise your hand if anyone of you can explain. It's a really simple question I have asked today. Okay, yes, right, Sukman. It refers to the number of buyers. तो जो नंबर ऑफ बायर्स हैं गुड सुहानी, दे वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज मास प्रोडक्शन पे गुड्स हो रहे थे ब्रिटेन में, तो उनको बेचने के लिए
उनको बायर्स की जरूरत थी, बायर उनको इंडिया में से मिल जाते, लेकिन इंडिया में क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड नहीं था तो लोग इट वुड टेक पीपल डेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. सो दे वॉन्टेड टू सेल ऑफ, ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू सेल ऑफ देयर गुड्स. दे वो चाहते थे कि एक दिन में उनके मतलब जल्दी जल्दी उनके गुड्स बिक जाए, तो इसीलिए उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में टू इम्प्रूव देयर साइज ऑफ मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने की पोर्ट्स की. अब क्योंकि कोस्टल एरिया से गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किए जाते थे. ठीक है, उस टाइम पे एयरलाइंस नहीं होती थी, सो ओनली सोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज वॉटर वेज. तो उसके लिए पोर्ट्स डेवलप किए गए. ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स की डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी स्पेंड किया, बट अगेन द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स वॉज टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल टू ब्रिटेन एंड टू इम्पोर्ट द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. वो चाहते थे कि इंडिया का रॉ मटीरियल वो जल्दी से जल्दी और ठीक कंडीशन में ब्रिटेन पहुंच जाए और ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स वो इंडिया में बेचना चाहते थे. सो बेसिकली उसके लिए उनको पोर्ट्स डेवलप करने पड़े. ठीक है, सो कोस्ट कैनाल उन्होंने डेवलप किया ओडिशा में. दिस वॉज बिल्ट एट ह्यूज कॉस्ट बट देन इट हैड टू बी अबेंडेंट क्योंकि ये ज्यादा इकोनॉमिकल उनको नहीं पड़ा. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले सूरत पोर्ट जो था दैट वॉज मोर पॉपुलर, ज्यादा वहां पर एक्टिविटी होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से मुंबई के पोर्ट के ऊपर ज्यादा हलचल होने लगी, ज्यादा हैंडलिंग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की मुंबई पोर्ट पर हो गई. ठीक है, देन दे ऑल्सो डेवलप्ड रोड्स. अगेन रोड्स को डेवलप करने का पर्पस क्या था, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटीरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स. अब जो रॉ मटीरियल थे वो गाँव में बन रहे थे, इंडिगो, ठीक है, ये चीजें उनको, या कॉटन, जूट, ये सारी चीजें विलेजेस में थी जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट सेक्टर था. तो विलेजेस में ऑब्वियसली रोड्स डेवलप नहीं थे उस टाइम पे, तो सिटीज में भी रोड डेवलप नहीं थे. तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना टिल पोर्ट्स दैट वॉज अगेन अ मैमथ टास्क. रेलवे तो बेटे इंटीरियर तक नहीं पहुंच सकती थी, विलेजेस तक नहीं पहुंच सकती थी. तो विलेजेस से रेलवे तक, फिर रेलवे से पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल को लेके जाना, ये प्रोसेस था. तो विलेजेस से रेलवे तक लेके जाने के लिए रोड्स ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए. ठीक है, मोरओवर आप अगर किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, शिमला, डलहौजी, ठीक है, आपने कभी सुना होगा उस पे जब हम जाते हैं तो बेटे वो सारे जो रोड्स हैं वो पहाड़ों को काट के बनाए हुए हैं वहां पे. ठीक है, अर्लियर पीपल यूज टू डू माउंटेनियरिंग, पैदल जाते होते थे, लेकिन आज हम रोड्स बने हुए हैं तो आराम से कार पे जा सकते हैं. ये सब ब्रिटिशर्स की ही देन है. लेकिन इसके पीछे इनका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि इंडिया वॉज अ हॉट कंट्री, दे वर नॉट यू नो यूज टू ऑफ सच हॉट climate, so they would spend many a months in the hill stations, जैसे कि डलहौजी, शिमला उनके popular hill stations थे. आज भी आप जाते हैं बेटे शिमला वगैरह तो you can see, आपको पता चल जाता है यहाँ पे you know colonial touch पता चल जाता है. churches होते हैं हर hill station पे, आपको church मिल जाएगा. तो ये church किसने बनवाए हैं? Britishers ने बनवाए. ये रोड्स वहां तक पहुंचने के ये भी ब्रिटिशर्स ने बनवाए. ठीक है, सो इवन इफ फॉर देयर ओन मोटिव दे वांटेड टू स्पेंड टाइम ओवर देयर, तो इवन इफ द मोटिव वाज सेल्फ इंटरेस्ट, बट देन वी कैन नॉट डिनाई दैट यस दिस वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स. देन लास्ट वी कैन स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन सेक्टर. कम्युनिकेशन सेक्टर में उन्होंने क्या डेवलपमेंट की बेटे उस टाइम पे? टेलीफोन्स वगैरह, मोबाइल फोन्स तो नाम दूर की बात है, वाईफाई ये सब दूर की बातें हैं, उस टाइम पे नहीं प्रिवेल करती थी. ठीक है, तो
कम्युनिकेशन सेक्टर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ दे वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. नाउ व्हाई दे डेवलप्ड पोस्ट एंड टेलीग्राफ, दे नेवर वांटेड कि अभी इंडियंस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए डेवलपमेंट की पोस्ट एंड टेलीग्राफ. इन ऑर्डर टू एनहांस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यू नो दे हैड टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी और रूल जो था ब्रिटिश रूल था, क्वीन विक्टोरिया वॉज देयर. सो वॉट एवर ऑर्डर्स दे वुड कन्वे, या उनको कोई उनको बात कन्वे करनी होती थी, कोई इंडिया में कोई भी बात है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए उनको कम्युनिकेट करना पड़ता था ब्रिटेन के साथ. सो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम दिस वॉज डेवलप्ड टू इनहेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी. ठीक है, so this was about infrastructure. Of course, by studying all these we can observe that you know, modest infrastructural change in India took place during British rule, but if we see the motive, then the motive was just to you know, facilitate their colonial exploitation and not the development of Indian economy. ठीक है, बाकी अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कोई सोशल एलिमेंट, आप देखो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट्स नहीं किए. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री and occupational structure, demographic profile, state of foreign trade, and state of infrastructure in India at the time of independence. ठीक है, तो दो word backward and stagnant features हमने already discuss कर लिए. ये सारे you know sectors पढ़ने से पहले हमने general Indian economy की state क्या थी उसके लिए हमने कुछ general features starting में ही discuss कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टेग्नेंट इकोनॉमी है, बैकवर्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की डोमिनेंस रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक रही है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट रहा है. ठीक है, एंड लिमिटेड अर्बनाइजेशन वाज देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, नाउ फ्रॉम ऑल दीज नाउ देयर वन क्वेश्चन अराइजेस इन अवर माइंड, was there any positive impact of British rule in India? So this question is open to all, you can answer. Was there any positive impact of British rule in India? Anyone? Administration. Right. So bete, British rule ko agar hum inka motive dekhen, to motive to hamari country ko exploit karna tha. Theek hai? उन्होंने हमारी कंट्री से सारी वेल्थ ड्रेन कर दी, हमारी कंट्री में कुछ नहीं छोड़ा. जिस तरह से एक सोने की चिड़िया नाम दिया जाता था इंडिया को ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, सब कुछ खाली हो गया. आज इंडिपेंडेंस के 70-80 इयर्स होने वाले हैं, फिर भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, इतना बड़ा सेटबैक हमें लगा. ठीक है, तो मोटिव तो उनका बहुत पुअर था, लेकिन फिर भी अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ चेंजेस हमारी कंट्री में किए, तो जो हमारी कंट्री के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज प्रूव हुए. सो जैसे कि फार्मर्स को उन्होंने फोर्स किया कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो धीरे धीरे हमारे जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ shift hote gaye as Lagan and Weber are giving their answers in the chat box, from subsistence to commercial farming. theek hai, to aaj hamare farmers jo hai wo commercial yani ki marketable surplus produce karte hain, commercial crops grow karte hain aur unko market mein acche daamon pe bech ke profit earn kar rahe hain. so now they are safe from the uncertainties of the market. जब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं ना बेटे, वी आर एक्सपोज्ड टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द
sorry, whenever we engage in commercial farming, so we are exposed to the uncertainties of the market. लेकिन मतलब कभी मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, लेकिन इसको भी अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प की. गवर्नमेंट ने एमएसपी इंट्रोड्यूस किया. सो क्योंकि दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग. देन बेटे रेलवे रोडवे ये सब जब डेवलप हुई तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया में डेवलप हुई. सबसे पहले जब रेलवे के लिए रेलवे को सेटअप होने में इतना टाइम लगा, इतने साल लगे, डिगिंग की, ट्रैक्स बनाए, ट्रैक्स बिछाए, बोगीज बनाई, ये सब कुछ उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ी. उसके बाद जब रेलवे स्टार्ट हो गया तो इंजन ड्राइवर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, टीटीज चाहिए, ये सब इनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे वर आल्सो जनरेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, रोड्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. देन बेटे अगेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट जो कि रेलवे की डेवलपमेंट से ही रिलेट करता है, ब्रिटिशर्स जब तक रेलवे डेवलप नहीं किया हुआ था तब तक बेटे हमारी कंट्री में बहुत फेमाइंस आते थे. फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाता था एक पर्टिकुलर, जैसे ये पूरा इंडिया है एक पर्टिकुलर जगह पे सूखा पड़ गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सरप्लस है, भंडार पड़े हुए हैं. लेकिन अगर हम चाहें कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, इट वुड टेक मंथ्स. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, आज हमें इंडिया बड़ी कंट्री नहीं लगती है. क्यों? क्योंकि हम बाय एयर 2-3 घंटों में मैक्सिमम एक जगह से, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाने में भी आपको मैक्सिमम 4 घंटे लगेंगे. ठीक है, तो इसीलिए आपको इंडिया एक बड़ी कंट्री नहीं लगती. लेकिन जब आप ऑन फुट बाय फुट जाओगे बेटे, डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो इट्स अ बिग कंट्री. ठीक है, डिस्टेंस तो है ना. सो अगर आप इसको यहाँ तक पहुंचाओगे तो ये तो महीने लग जाएंगे, तब तक तो लोग भूखे मर जाएंगे. लेकिन जब रेलवे आ गया तो रेलवे के कारण हमने जिन स्टेट्स में सरप्लस होता था उनसे फूड ग्रेन लेके जो एरियाज में फेमाइन आते थे वहां तक पहुंचा देते थे. तो फेमाइन भी कंट्रोल हुए ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज के करके. देन बेटे बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया बार्टर सिस्टम यूज्ड टू प्रिवेल. आपको पता है व्हाट इज बार्टर सिस्टम? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. ठीक है, नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज देयर. सो व्हेन ब्रिटिशर्स केम, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू प्लेस, देयर वॉज द एवोल्यूशन ऑफ मनी. ठीक है, अब मनी के आने से बेटे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं. आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, मनी के आने से लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसके कारण वी कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. देन बेटे ब्रिटिशर्स की एक और बहुत बड़ी देन है हमारे ऊपर, दैट इज सिविल सर्विसेज. आज बहुत लोग कहते हैं हमने आईएएस बनना है. आईएएस जो एग्जाम कंडक्ट होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करती है आईएएस ऑफिसर्स के लिए, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यूज होती है. ठीक है, एंड देन किस तरह से जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का चलता है, सिविल सर्वेंट्स हैं, आईपीएस है, आईएएस है, ठीक है, आईएफएस है, आईआरएस है, ये सब ब्रिटिशर्स की देन है. ये वाला सिस्टम हमने ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी चेंज नहीं किया, बिकॉज वी कंसिडर्ड इट एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो दैट स्टिल इज देयर विद अस. सो दिस अगेन इज अ पॉजिटिव ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया. ठीक है बच्चे.